Hello friends and welcome back to Pens and Glasses. First of all, thank you very much for showing your love and support to us. Continuous 8 videos डालने के बाद आपके reviews हमें मिलते हैं और definitely वो reviews पढ़के हमें अच्छा लगता है और कुछ नया करने का inspiration भी मिलता है. तो उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए वी आर टूडे गोइंग टू स्टार्ट विथ कॉफी. कॉफी एंड स्पेशली व्हेन इट कम्स टू कॉफी वेरी ओल्ड हिस्ट्री एंड डेफिनेटली इट हैज अ लॉन्ग लॉन्ग स्टोरी अलोंग विद द रेसिपीज. सो इन दिस कॉफी सीरीज वील बी मेकिंग कपल ऑफ लवली आइस कॉफीज कोल्ड कॉफीज एंड डेफिनेटली वी विल बी ऑल्सो प्रोवाइडिंग यू द हिस्ट्री फॉर द सेम. व्हेन यू स्पीक अबाउट द हिस्ट्री ऑफ कॉफी इट्स वेरी ओल्ड एंड वेरी इंटरेस्टिंग. कहा जाता है कि ह्यूमन जब यानी इंसान जब भी धरती पे आया उससे भी पहले कॉफी के प्लांट्स इथोपिया में पाए गए. जो लाल कलर की बेरीज है वो वहाँ पे पाई जाती थी और जंगल में एक लड़का अपनी बकरियों को चराने जब लेके गया वहाँ पे और उसने देखा कि कुछ पर्टिकुलर बेरीज खाने के बाद बकरियाँ ज़्यादा फुर्तीली और एनर्जेटिक लगने लगी थी, यानी उनकी हरकतें कुछ ज़्यादा फुर्तीली हो गई. तो उसको लगा कि ये कोई जादुई बेरीज है और फिर उसने भी कुछ बेरीज ली और उसने जब उसे खाया तो उसको भी उसी का एहसास हुआ और इसी तरह जब उसने और लोगों को बताया तो ये प्लांट धीरे 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 सबके नजरिए में आता गया और उसी के साथ फिर कुछ सदियों के बाद ये जो कॉफी है वो ट्रेडर्स के द्वारा यमन में लाई गई. जब कॉफी यमन में पहुंची तब वहाँ के सूफी संत कॉफी पीते थे और जब भी उन्हें अपनी प्रेयर रात भर करनी होती थी तो ये कॉफी जब वो पीते थे तो उनको एक अलग सी एनर्जी मिलती थी. उसके वजह से वो रात भर सो नहीं पाते थे और अपनी प्रेयर बरकरार रखते थे. उसी से ये कहानी और आगे जाती है. ये कहानी पहुँचती है यूरोप में. जब भी कॉफी यूरोप में पहुँची तो कॉफ़ी वहाँ पे तभी एक शैतानी ड्रिंक मानी जाती थी, यानी वहाँ के लोगों में एक ऐसा प्रचलन था. हालांकि ये कॉफ़ी जब मुस्लिम कंट्रीज से आई थी और यूरोप क्रिश्चियन कंट्रीज थी तो वहाँ पे ऐसा कहा जाता था कि ये डेविल्स ड्रिंक है और उसी के वजह से कोई इसे पीता नहीं था. लेकिन जब ही एक बार ये ही चीज़ पॉप के सामने वहाँ पे पेश की गई तो पॉप ने कहा कि पहले हम इसे टेस्ट करेंगे और उसके बाद हम इसे डिसाइड करेंगे. और जब भी पॉप ने उसे टेस्ट किया तो लोगों को ऐसा लगा था कि पॉप भी इसे नकारेंगे, लेकिन उसके विरुद्ध पॉप ने इसे अपनाया और पॉप ने लोगों से इसे पीने को कहा. लेकिन फिर भी लोग हिचकिचाते थे और उसी के बाद जब ये फाइनली पॉप ने कॉफ़ी को बैप्टिज्म के विधि से लोगों के सामने पेश किया तभी जाके लोगों में कॉफ़ी के लिए विश्वास हुआ और लोगों ने यूरोप में कॉफ़ी पीना चालू किया. उस जमाने में यूरोपियंस जो थे उनकी विश्व में अलग अलग कॉलोनीज थी, यानी उन्होंने बहुत सारे विश्व में देशों पे उनका राज था, उनका वर्चस्व था और उसी के वजह से उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम क्यों ना ये कॉफ़ी को अलग अलग दुनिया के अलग अलग देशों में इसे उगाए और इसी की तरह उसका व्यापार अलग अलग दुनिया में करें. तो इसी में सबसे बड़ा जो नाम पहले उभर गया वो डच लोगों का था. उस जमाने में डच जो थे उनकी कॉलोनी एशिया में थी तो कॉफ़ी डच ने कॉफ़ी इंडिया में लाई. वहाँ से वो जावा लेके गए. जावा में आज भी बहुत बड़ी कॉफ़ी की उत्पादन होती है और वहीं से वापस कॉफ़ी श्रीलंका गई. यानी डच लोगों ने कॉफ़ी को भारत, श्रीलंका और जावा में इंट्रोड्यूस किया. ठीक उसी के विपरीत वहाँ के जो पुर्तगीज थे उनकी कॉलोनी ब्राज़ील थी, यानी उनका राज ब्राज़ील पे था और वो कॉफी को ब्राज़ील लेके गए. 15वीं सेंचुरी में वर्ल्ड का सबसे पहला कॉफी हाउस अरब में खुला. उसे वहाँ पे कैवे कन्हा कहते थे. वो जो कॉफी हाउस थे वहाँ पे इंटेलेक्चुअल लोग आते थे, म्यूजिक सुनते थे, बातें करते थे और उसी के साथ कॉफी पीते थे. ठीक इसी तरह सबसे अलग वे में एक कॉफी हाउस यूरोप में भी उत्पन्न हुआ. ब्रिटेन में उसे पेनी यूनिवर्सिटी कहते थे, जहाँ पे इंटेलेक्चुअल लोग आते थे
बातें करते थे, पॉलिटिक्स पे बातें करते थे, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे, और उसी में वहाँ पे एक पैनी में कॉफ़ी भी मिलती थी। यानी एक पैनी में आपको कॉफ़ी और उसके साथ नॉलेज दोनों चीज़ मिलती थी, और उसी के वजह से उसे पैनी यूनिवर्सिटी कहा जाता था। ब्रिटेन और फ्रांस में कॉफ़ी हाउस में औरतों को अलाउ नहीं किया जाता था, लेकिन उसी के विपरीत जर्मनी एक ऐसी कंट्री थी जहाँ पे लेडीज कॉफ़ी हाउस में जाते थे, कॉफ़ी का मज़ा लेते थे और वहाँ पे डिस्कशन में भी वो पार्ट लेते थे। इसी तरह कॉफ़ी वर्ल्ड में स्लोली स्लोली हर एक कंट्री में पॉपुलर हुई। कॉफ़ी की आगे की हिस्ट्री हम अगले एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे, और इसी के साथ ये एपिसोड में मैं हिस्ट्री में यहाँ पे ही रुकता हूँ, और चलिए शुरू करते हैं आज की पहली हमारी रेसिपी, कोल्ड कॉफ़ी विथ चॉकलेट। फ्रेंड्स, यह वी आर विथ आवर फर्स्ट रेसिपी ऑफ द कॉफ़ी। बहुत पॉपुलर रेसिपी है, बच्चों को यूथ को तो ये बेहद पसंद आती है। यस, जान गए होगे आप, हम आज बनाने वाले हैं कोल्ड कॉफ़ी विथ आइसक्रीम। कोल्ड कॉफ़ी विथ आइसक्रीम इजी है, थोड़ा मटेरियल यहाँ पे आपको ज़्यादा दिखेगा, लेकिन बहुत ही इजीली अवेलेबल है और इसको बनाने के लिए इम्पोर्टेंट है। इसके लिए ये मेरे पास है इंस्टेंट कॉफ़ी पाउडर, जो आप कोई भी इंस्टेंट कॉफ़ी पाउडर यूज़ कर सकते हो, नेस्कैफे, सनराइज वगैरह। उसके बाद मेरे पास यहाँ पे है ये कोको पाउडर। कोको पाउडर एक अलग सा फ्लेवर देता है कोको का, चॉकलेट का, और उसको बहुत अच्छा बनाता है, टेस्ट अच्छा डेवलप करता है। उसी के साथ मेरे पास ये है चॉकलेट पाउडर। चॉकलेट पाउडर, जैसे भी मैंने कहा है कि हम लोग कोल्ड कॉफ़ी बना रहे चॉकलेट के साथ, तो उसमें चॉकलेट फ्लेवर के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट यूज़ करता है। उसके बाद हमारे पास कोल्ड मिल्क है, हमारे पास गार्निश के लिए ये चॉकलेट सॉस है, आइसक्रीम है जो कि हम उसको ब्लेंड करने वाले हैं, और व्हिप क्रीम ये ऑप्शनल है, ये अगर जो आप है तो आप गार्निश के लिए यूज़ कर सकते हैं, नहीं है तो आइसक्रीम का स्कूप भी इसके ऊपर वापस डाल सकते हैं, और ये कुछ चोको चिप्स है, और बट ऑब्वियस है कोल्ड कॉफ़ी है तो आइस होगा ही। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, ये जो कॉफ़ी है ये स्पून से मैं कॉफ़ी ले रहा हूँ, सो इंस्टेंट कॉफ़ी 1.5 स्पून ली है मैंने। आप कम ज़्यादा अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से, आपको स्ट्रांग चाहिए तो आप उससे कम लीजिए, आपको अगर जो माइल्ड चाहिए, सॉरी अगर जो स्ट्रांग चाहिए तो आप ज़्यादा लीजिए, और माइल्ड चाहिए तो कम लीजिए। ये वापस सेम क्वांटिटी में कोको पाउडर यूज कर रहा हूँ, और सेम क्वांटिटी में मैं चॉकलेट पाउडर यूज कर रहा हूँ। ये तीनों पाउडर मैंने ले लिए हैं, आप प्लस माइनस हर बार की तरह आप अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं। और ये मेरे पास गुनगुना पानी है, ल्यूकवॉर्म वाटर है। सबसे पहले इसके अंदर मिक्स करूंगा ताकि फिर हम जब भी ब्लेंड करेंगे तो कितनी बार क्या होता है कि पाउडर रह जाता है और ब्लेंड बराबर नहीं होता है, तो पहले ही मैं गुनगुना पानी इसमें ऐड करूंगा, और इसका मैं एक अच्छा सा पहले ही सिरप बना दूंगा। ये आप देख सकते हैं सिरप बन रहा है, और उसी की तरह गुनगुना पानी है तो उसके अंदर सब चीज़ ब्लेंड भी इजीली हो जाती है, अच्छी तरह हो जाती है, और एक अच्छा सा उसका हमें घोल तैयार करना है ताकि हमें बनाने में आसानी हो। और ये मैंने सब पानी ले लिया है ताकि घोल एक स्मूथ पेस्ट में हो जाए। सो ये घोल बनके हमारा रेडी है, आप देख सकते हैं अभी इसमें लम्स नहीं दिख रहे, और ये एकदम पूरी कंसिस्टेंसी में आ गया है। सो ये हमारा घोल तैयार है बनके, स्पून को साइड में रख देता हूँ, और अभी ये हमारा ब्लेंडर का जार है, आप कोई सा भी अपना ब्लेंडर का जार यूज़ कर सकते हैं। उसके अंदर सबसे पहले तो ये जो मैंने घोल बनाया वो उसको मैं पूरी तरह से पोर कर दूंगा। और अब उसके बाद उसके अंदर मैं मिल्क डालूंगा,
वन एंड हाफ कप ऑफ मिल्क है ये। और अब मैं उसके अंदर आइसक्रीम डालूंगा, वेनिला आइसक्रीम लेनी है आपको। बहुत से लोग कॉफी आइसक्रीम भी लेते हैं, वो भी अच्छी इसके इसके साथ जाती है। सो चॉइस इज योर, यू कैन टेक वेनिला ऑल्सो एज वेल एज यू कैन टेक कॉफी ऑल्सो। ये मेरी आइसक्रीम हो गई है, इसके अंदर एक स्कूप के करीब मैंने आइसक्रीम डाली है इसके अंदर। सो आइसक्रीम गई है। अभी मैं शुगर ले रहा हूँ, ये मेरा शुगर सैशे है। शुगर लेते टाइम आप नहीं भी डाले तो भी चलेगा, शुगर आपको आपके स्वीटनेस के हिसाब से डालनी है, क्योंकि आइसक्रीम में भी शुगर है और चॉकलेट पाउडर में भी शुगर है। सो ज़्यादा शुगर अगर जो नहीं चाहिए तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। ये मैंने अभी शुगर ऐड इसमें कर दी है। अब हमें अपना ब्लेंडर लेना है और ब्लेंडर को पहले आप इसके अंदर प्लेस कर लीजिए और फिर उसे स्टार्ट कर दीजिए। आपको अगर जो फ्रॉथ चाहिए तो उसको आप हल्का ब्लेंडर को हल्का सा उठा के उस पर आप उसका फ्रॉथ भी कर सकते हैं। ये देखिए अच्छा फ्रॉथ आ गया, ब्लेंड भी हो गया। अब मैं हमारा ग्लास लूंगा। ग्लास अच्छी तरह डेकोरेट करना है तो उसके लिए ये चॉकलेट सिरप है, नहीं भी होगा तो चलेगा। तो आप उसको पोर करके ग्लास को इस तरह से घुमा के आप एक अच्छा सा यूनिक डेकोरेशन भी कर सकते हैं। तो ये ग्लास में हमने हमारा चॉकलेट सिरप डाल दिया है। अब कुछ आइस इसके अंदर मैं डालूंगा ताकि हमारी कॉफ़ी और ठंडी हो जाए। तो मैंने इसमें आइस डाल दिया है। अब ये जो कॉफ़ी है हम उसको हल्के से आइस के ऊपर पोर करेंगे ताकि हमारा गार्निश डिस्टर्ब भी ना हो। और ये जो कॉफ़ी है वो हो जाए। और थोड़ा सा हम यूज़ करेंगे ये स्पून से, इसका जो फ्रॉथ है वो फ्रॉथ भी हम इसके ऊपर इस तरह से हम यूज़ कर लेंगे। सो फ्रॉथ डाला हुआ है। अब हमें ये जो विप क्रीम है उसमें मैंने स्टार नोजल यूज़ की है, आप कोई सी भी कर सकते हो, प्लेन भी कर सकते हो। और उसके ऊपर मैं हल्के से क्रीम को स्वर्ल करूँगा ताकि वो गार्निश के लिए अच्छा दिखे। ये हमारा हमने क्रीम, और ये अभी हमारा हमारी चोको चिप्स है। तो एनी टाइम इसके बिना तो ये कॉफ़ी में मज़ा नहीं आएगा। तो आपके पास अगर जो घर पे कैडबरी भी हो तो आप उसे भी बारीक सी फाइनली कट करके उसके ऊपर उसको उसको भी गार्निश कर सकते हैं। तो ये गार्निश हो गई है। और इसी के साथ ये स्ट्रॉ और ये हमारी चॉकलेट आइस कॉफी तैयार है। फ्रेंड्स यू कैन सी द गार्निश, द कलर, द ब्यूटीफुल लुक ऑफ द कॉफी। एंड यस, टेम्पटिंग लग रही है, बहुत डिलीशियस लग रही है, मुझे भी लग रहा है कब मैं पीऊँ। सो मैं तो इसे पीने वाला हूँ, आप भी बना के पीजिए। चीयर्स।